डॉली जी बात तो सुनो डॉली जी। क्या जाइए चिंटू जी, हमें आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। आपको कुछ याद भी रहता है? आपने हमसे तीन वादे किए थे। पहला कि आप हमारा पूरा ख्याल रखेंगे और हमें ससुराल लेके जाएंगे। दूसरा, कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और तीसरा, जब भी कोई बात होगी सबसे पहले आप हमें बताएंगे। तो फिर कल जो हमने आपसे सामान मंगाया था वो कहाँ है? जब आपको कोई बात याद ही नहीं रहती चिंटू जी, तो बड़े बड़े वादे करते क्यों हैं? क्या बोला आपने, दूसरी कमी क्या है? कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। क्या कमी है इस घर में बताओ, हैं? और वो आपने क्या बोला, सामान है ना, आपने सामान मंगाया था। मैं भूलू ना, इसलिए मैंने ना उस सामान की लिस्ट बनाई थी, लेकिन वो काम के चक्कर में ऑफिस की टेबल पे छूट गई लिस्ट। तो मैं कल जाऊंगा, लिस्ट और सामान दोनों लेकर के आऊंगा। ठीक है डॉली जी, अब ऐसे छोटी छोटी बात पे नाराज मत हो आप। झूठे कहीं के। ए, सुनो तो, झूठा हूँ सच्चा हूँ तो तुम्हारा बेटा चिंटू। नानी जी की जाओ। कुछ चीजें लिस्ट में नहीं दिल में लिखी जाती, और वैसे हमें पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि तुमने कोई लिस्ट नहीं बनाई है ना। नानी जी आपको कभी विश्वास होगा नहीं मुझ पे, लेकिन क्या है ना, आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं वो कल लिस्ट आपके हाथ में थमा दूंगा ऑफिस से लाके। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर, तुम बिल्कुल पन्ना जी की तरह होते जा रहे हो। हमारे पन्ना जी को भी कुछ याद नहीं रहता, कब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, हमारी शादी की सालगिरह, हमारा जन्मदिन। उससे अच्छा तो हमारा हीरा लाल था, हाय 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 कितना क्यूट था, हर वक्त हमारे पीछे पीछे घूमता रहता था, हमारा साथ कभी छोड़ता ही नहीं था। हीरा लाल, काश तुम यहां होते। आदि से पहले हीरा लाल था क्या? अजाब गजाब घर जमाई। जगदम्बा जी क्या यहीं रहती? दिल से मुझे पता चल गया कि वो यहीं कहीं आस पास हैं। उनकी खुशबू मुझे आ रही है दिल से ही। होता है क्या? सीआईडी से थे क्या पहले आप? नहीं, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। पन्ना लाल है ना आपका नाम? दिल से? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? हीरा नाम है मेरा दिल से। जगदम्बा के साथ बचपन गुजरा है हमारा, हमारी शादी होने वाली थी। हाँ, पर उसने हीरा छोड़ पन्ना उठा लिया। अरे उस समय बंदूक मिल गई ना। हाँ। फूलों की खुशनसीबी है कि इन्हें आपका दीदार हुआ। मुझसे पहले इन्हें थाम लो, क्योंकि इन्हें आपसे प्यार हुआ। अरे यहाँ मत बैठिए, हमारे पास सोफा है, यहाँ बैठिए। फूलों के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। बैठिए। बैठो बैठो बैठिए ना। शुक्रिया। कैसे आना हुआ? कितने मौसम बेईमान हुए और कितने सावन बीत गए। मैं सिर्फ नाम का हीरा, असल में हीरा तो तुम हो। इतने सावन बीतने के बाद भी हीरे की चमक बरकरार है। अरे आओ चिंटू बेटा, ये है हमारे सबसे छोटे जमाई, बैठो। नमस्ते। अच्छा, और ये है हीरा। पन्ना से पहले जगदम्बा को हीरा मिलने वाला था और हमारी शादी होने वाली थी। खैर छोड़ो दिल की बातें, दिल्ली में रहने दो। दिल से नहीं, दिल्ली से। बस दिल्ली से मैं बंबई जा रहा था और अचानक मैं मथुरा उतर गया और मेरे कदम चलते चलते यहां तक पहुंच गए। दिल से चिंता मत करो, शाम को डीलक्स जा रही है, उस पे बैठा देंगे।
नहीं 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 भाई, अब तो हम कल की ही ट्रेन पकड़ेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो दिल से। नहीं नहीं हीरा, हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें तो बहुत खुशी होगी। अरे शुक्रिया जरा नसीबी करम। करम तो फूट गई था। हाँ कुछ कहा आपने? एक लतीफा और है, सुनना पड़ेगा दिल से। भाई एक पति ने अपनी पत्नी को बुलाया मरते वक्त, और उसने बोला तुम्हें मेरी कसम है मैं जब मर जाऊं तो तुम रामलाल से शादी कर लेना। औरत ने बोला हाय राम, ये क्या कह दिया, रामलाल? अरे वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने जवाब दिया मरने के बाद मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। हमारा पेट दुख गया, सारा खाना पच गया, दोबारा भूख लग गई। वाह भाई वाह। नाना जी ये सब देखकर आपको जलन नहीं हो रही? कह दीजिए नाना जी, ये दुनिया ये महफिल अब आपके काम की नहीं नाना जी, काम की नहीं। ये नानी जी तो ऐसी पहले कभी नहीं थी। अरे इतना मुस्कुराते हुए तो नानी जी को मैंने कभी आपके साथ नहीं देखा। और ये महानुभाव अभी 2 घंटे हुए हैं इनको आए हुए, और कैसे नानी के साथ खिलखिला के हंस रहे हैं और हंसी के फव्वारे छोड़ रहे हैं। कुछ करिए नाना जी कुछ करिए। बेटा फव्वारे तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। हाँ, देखो आओ मेरे साथ। हाँ चलिए। आ गए। ऐसे फुहारे, मेरा मतलब है ऐसे चुटकुले मैं सुना सकता हूँ। मैं सुनाता हूँ। देखो एक बच्चे ने अपने गणित के अध्यापक से कहा कि देखो अंग्रेजी के अध्यापक जो होते हैं वो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप गणित में बात क्यों नहीं करते? तो गणित का अध्यापक क्या बोला, ए ज्यादा 3-5 मत कर, 5-6 जड़ दूंगा, 9-2-11 हो जा, नहीं तो छठी का दूध याद आ जाएगा। अरे नाना जी क्या लतीफा सुनाया आपने। अच्छा है ना। हो गया, अब जाके दवाई खाओ वरना तबीयत खराब होगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, जाओ। नाना जी ये जो कुछ भी हो रहा मैं बता रहा हूं आपको, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो इतना अच्छा चुटकुला सुनाया फिर भी नहीं हंसी, तो मैं क्या करूं? अरे नाना जी आपका ये महान कब काम आएगा? ऐसा आइडिया है मेरे पास कि एक ही तीर बना देगा आपको वीर। आइए चलिए मेरे साथ। हाँ बेटा कहीं अजीबोगरीब तो नहीं लग रहा? नाना जी खूबसूरती अजीब हो सकती है लेकिन गरीब नहीं। अब खुदा झूठ ना बुलवाए, इतने हसीन जहीन और खूबसूरत लग रहे हैं आप कि आपकी खूबसूरती की हवा में कोई भी बह जाएगा। और पेट अंदर थोड़ा सा, यस ये हुई ना बात हैंडसम वाली। आओ चले भाई, इश्क है तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। हाँ। और आदमी को शक्ल से बीमार भी होना चाहिए। कह दो यादों को 2-4 दिन की छुट्टी ले लें। इश्क में कभी कभी एतबार भी होना चाहिए। एतबार, एतबार होना चाहिए। अंकल अंकल आपका नाम होना चाहिए हीरो हीरा लाल। आपने सही समय बांध दिया आज है। नहीं नहीं चिंटू जी, ये तारक मेहता सीरियल में जो सोडी आते हैं ना उनकी तरह कॉमेडी करते हैं। बिल्कुल बहुत सही। नाना जी क्या बात है, कैसे गुंडे मवाली वाले कपड़े पहन रखे हैं आप? पर ये क्या, ये तो पतझड़ सावन बसंत बहार वैसी कमीज पहन रखी है। आप यहीं रुको मैं देखता हूं नानू। ये पन्ना जी को क्या हो गया, इन्होंने तो जवानी में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने।
क्या ये सब? अब कहने को क्या बचा है? मेरे लिए तो नाच का मतलब ही आंगन टेढ़ा है। किसने कहा था नाचने को आपको, हैं? और नानी जी के सामने कोई भी आदमी आ जाएगा तो आपका आंगन टेढ़ा हो जाएगा, हैं? ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपको नानी जी का दिल जीतना है ना, उन्हें इंप्रेस करना है ना, तो ठीक से करो। इस तरीके से थोड़ी होगा। मैंने देखो खुद को जगदम्बे के लिए चेंज किया और चश्मा भी लगाया था अच्छा वाला। हाँ, धूप का चश्मा लगा के बैठे हो घर के अंदर, जगह सही होगी नहीं तो और क्या होगा। साडू भाई के चक्कर में कहाँ लग जाते हो आप, हैं? खुद का हाल देखा साडू भाई का क्या है? आप उनकी उम्र के हो क्या? नहीं, थोड़ा फर्क है। सही कह रहे हो आप, उनके और आपके पेट में थोड़ा सा ही फर्क है। अरे मैं उम्र की बात कर रहा हूँ नाना जी, उनकी और आपकी उम्र में कितना फर्क है, हैं? उन्होंने बना दिया आपको ये देखो पतझड़, ये कमीज भी वैसी पहना रखी है। क्या आप कहाँ किसके चक्कर में लग गए, हैं? नानी जी को इम्प्रेस करना है ना। आपने देखा है वो हीरालाल जी को? पर वो आदमी देखो कितना पूरा ऐसे ऊपर से पूरा टिप टॉप है ना, ऐसा लगता है अभी अभी नहा के आया है। नहा के तो मैं भी आया हूँ। हाँ लेकिन लगते नहीं हो ना, समझ रहे हो आप बात? हाँ, तो वो उसकी तरह, वो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें करता है, हैं? ऐसा लगता है कि चाशनी में घोल घोल के उसने चुटकुले बनाए हैं, हैं? शेरो शायरी की है। आप भी करो वो सब। बेटा शेरो शायरी तो मेरे खानदान में किसी ने ना सुनी ना करी है, और एक शादी ऊपर से हो गई ये मिठाई वाली से। मुझे क्या पता कि गुलाब जामुन के साथ साथ तुझे शेरो शायरी भी पसंद आ जाएगी। राम से ना होगा ये सब। अरे क्या इतनी बढ़िया बात कही आपने, आपकी शादी किससे हुई? मिठाई वाली से। तो मीठे तो आप वैसी हो गए है ना, आगे का इलाज मेरे पास है, समझ रहे हो आप? आ जाओ फिर वही काम कर रहे हो, आ जाओ। अजब गजब घर जमाई। वाह 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 वाह, कितना खूबसूरत घर है। जगदम्बे बिल्कुल आपकी तरह। हीरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हमारा मतलब है इतनी भी तारीफ मत करो। अरे पन्ना जी वाह वाह, क्या लग रहे हैं? पहले क्या पहन लिया था? अरे वो पहना कहाँ था, बस वो तो महान के कहने पे लपेट लिया था। लपेट लिया था? हाँ, लपेटने से याद आया, एक शेर याद आया। शेर इरशाद, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह पन्ना जी, ये हुनर आप में है, ये तो हमें पता ही नहीं था। आप ही का लिखा हुआ होगा? हाँ हाँ, अभी अभी गरम गरम बनाया, बिल्कुल एकदम ताजा तला हुआ है समझो। बहुत खूब, ठंडा होने से पहले पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि शेर और ट्रेन दो लाइनों पे चलती है और अभी एक ही लाइन हुई है, दिल से। हाँ हाँ, दूसरी भी आई जाएगी, जब एक आई है तो दूसरी भी आई जाएगी। हाँ, लेकिन पहली लाइन तो वाह वाह कमाल थी, कमाल थी। दूसरी दिल से आएगी ना। हाँ, दिल से। हाँ, मिल गई। हाँ हाँ, मिल गई। ध्यान से सुनो लाइन। बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान। अबे कहाँ गया आप? अबे कहाँ गया? अरे ये शेर में अबे तबे? वो क्या है कि वो जगदम्बे मतलब पौना निकल आया था, थोड़ा सा रह गया है, वो भी निकल आएगा वो भी। मिल गया। आ गया। दिल से आया। मगर फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। बहुत अच्छा, बहुत खूब। ये शेर वैसे बता दूं, गालिब साहब ने लिखा है, जो अभी अभी आपने सुनाया, और वो भी किसी से सुन के। ये है दिल से। नाना जी की जय हो, बैठ जाऊं?
दोनों कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूं, सॉरी हमारी चोरी पकड़ी गई। पर एक बात बताओ नाना जी, कैसा लग रहा है? कैसा लगेगा, बुरा लग रहा है? बुरा क्या, बहुत बुरा लग रहा है। इतने सालों में मैं जगदम्बे का दिल नहीं जीत पाया, और वो उसको देखो, दो घंटे के अंदर दिल से करता हुआ दिल में घुसा जा रहा है। नाना जी एक बात कहूं, आपको और नानी जी को साथ रहते हुए कितना टाइम हो गया है? 5 सितंबर को 50 साल हो जाएंगे। 50 साल? वो आज 5 सितंबर है। अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, लेकिन अब जगदम्बे को मैं कैसे? हिम्मत रखो नाना जी, देखो जब इंसान के दिल में मोहब्बत होती है, प्यार होता है ना, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। समझ रहे हो आप बात? अगर आपके दिल में प्यार है ना नानी जी के लिए, तो देख लेना सारे रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। हाँ आप खुद देख लो ना, अभी आपको अपनी शादी की सालगिरह याद आ गई ना, क्योंकि आपके दिल में प्यार है, तो आगे के रास्ते अपने आप बनेंगे नाना जी। एक आवाज सी आती है दिल से कि जगदम्बे जैसी फिक्र करने वाली औरत मैंने नहीं देखी। भीड़ हो चाहे तन्हाई, और ढूंढनी हो अच्छाई, तो बस एक ही याद आई। हीरा, ये बात ठीक नहीं है, जगदम्बे मेरी पत्नी है। देखो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमको कौन गुस्सा दिला सकता है, अपने धुन में आराम से जी रहो। हीरा बोलो क्या कह रहे हो? जगदम्बे पति धर्म है, ये मेरा धर्म भी है और मेरा हक भी है। कोई मेरी पत्नी के ऊपर बुरी नजर डाले तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। बस अब मैं चुप नहीं रहूंगा। हमेशा तो चुप बैठे रहते हो, कुछ याद रहता है? आज क्या है पता है? सब भूल जाते हो। खैर जाने दो। जाने दो। चुप क्या बैठो, मुझे सब याद है, मैं अभी आता हूं। अजब गजब घर जमाई। मुझे सब याद है जगदम्बे, अपनी 50 साल की शादीशुदा जिंदगी में वो सारे दिन, वो सब याद है जिनकी यादें तुमसे जुड़ी हैं, वो सब याद है तुम्हारे वो तकलीफ के दिन, तुम्हारा वो बीमार रहना, पर एक बार तुम घर से काफी दूर गई थी, घर कितना सूना हो गया था, और तुम्हें याद है एक दिन हम और तुम एक दूसरे के लिए कितना फिक्र कर रहे थे? और हाँ ये देखो, इसमें ये बिल, ये बिल है उस हार का, जो हार तुमने मेले में खो दिया था, और मैं उसी तरह का दूसरा हार बनवा के लाया था, मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। और ये देखो ये पर्स, ये पेन, और ये कार्ड, ये सब तुमने मुझे दिए थे, इसको मैंने कैसे सजो के रखा ताकि तुम्हारी यादें धुंधली ना हो। और चितंबे तुम्हें याद है जब तुम्हें मलेरिया हो गया था, और मैंने तुम्हारे ऊपर 3-3 रजाइयां डाली थी, और तुम्हारी कपकपी नहीं जा रही थी, और जिस दवाई से तुम ठीक हुई थी ना, उसका नाम मैंने आज तक लिख के रखा हुआ, कहीं मेरे जगदम्बे को दोबारा उसकी जरूरत ना पड़ जाए। तुम्हें याद है ना 21 अगस्त 2009 जब हमारी दुकान पर केस चल रहा था, और तुम कितना परेशान थी, और मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही थी, और मैंने उसी समय 1 हफ्ते के अंदर सामने वाले वकील को पटा लिया था। और हाँ ये देखो ये शर्ट याद है, ये तुमने मुझे पहले जन्मदिन पे दी थी जब हम डिनर पे जा रहे थे, और ये मैंने सिर्फ एक बार पहनी थी, उसके बाद मैंने इसे संभाल के रख दिया था, और तुमसे झूठ बोल दिया था कि वो खो गई है। बस चुप हो जाओ पन्ना, अब और बोलोगे तो हमारे आंसू बह निकलेंगे। पन्ना हमें ये उम्मीद नहीं थी तुम इतने
रोमांटिक हो। अच्छा हुआ तुम्हें बंदूक की नोक पे उठा लाई, वरना हमारी पन्ना की तमन्ना अधूरी रह जाती। पता है पन्ना जी, आज हम ना फिर से 16 साल के हो गए। वाकई? हाँ तुम? ओ हीरा, ओ वाकई, जो मोहब्बतें दिखने में बहुत शांत, सरल और सपाट नजर आती हैं, उनमें एहसास की लहरें बहती हैं। जगदम्बा जी, आप वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो आपको पन्ना जी जैसे पति मिले। आप हमेशा इसी तरीके से साथ रहें, मिलजुल कर प्रेम करें और एक दूसरे के साथ अपने एहसास। बहुत बहुत धन्यवाद हीरा जी। मैं भी आपसे एक बात कह दूं दिल से, आप हम दोनों को जरा अकेला छोड़ दीजिए दिल से। चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। फिर मत आना। हम दिल से। जगदम्बे, आज हमारी शादी की 50वीं वर्षगांठ है और मुझे याद है, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया। पन्ना, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमको अपनाने के लिए एक बार क्या, हजार बार तुम्हें बंदूक की नोक पे उठा ले। पन्ना, तुमने फिर से हमारे दिल को छू लिया। जी जी जी, आपने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की, कमाल की एक्टिंग की है आपने दिल से, और मैं दिल से आपके पैसे पहुंचा दूंगा आप तक, दिल से। नानी जी की जय हो। बेटा चंट, हमारा मतलब है बेटा चिंटू। तुम भले ही चिंटू चौटाला हो, लेकिन तुम ये कैसे भूल गए कि हम भी जगदम्बे शक्तिशाली हैं। हम तो उस हीरा को देखते ही समझ गए थे कि तुम्हारा ही भेजा हुआ आदमी है। अगर आप समझ ही गई थी तो उसी समझ से मुझे भी समझा दो कि आप कैसे समझ गई थी। ऐसे समझ गए थे बेटा, हीरा का जिक्र हमने सिर्फ एक आदमी के सामने किया था, पूछो किसके? किसके? चिंटू चौटाला के। वो मुझे पता था। हाँ, उसके अलावा कोई और नहीं जानता हीरा के बारे में, और तुम गलत हीरे के चक्कर में पड़ गए। असली हीरा तो मेरा ये है, मेरा प्यारा हीरा। बेटी की जान, काला कुत्ते का नाम हीरा लाल। खबरदार, जो मेरे हीरा को तुमने काला कुत्ता कहा, मेरा हीरा है। नानी जी, आप ही की जय हो। और मेरे हीरे की। अजब गजब घर जमा।